नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे परसेंटेज वाली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, उसके 7 पार्ट्स आ चुके हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। पिछले सारे लेसन मेरे 7 पार्ट्स में आपके 120 क्वेश्चन कराए मैंने, लगभग हर टाइप को कवर किया मैंने अपनी तरफ से, फिर भी कुछ कमी रह जाएंगी तो अगली बार जो प्रैक्टिस सेशन आएंगे उसमें हम सारे आपके प्रॉब्लम डाउट सोल्व वगैरह कर लेंगे। आज हम अर्थमेटिक की शुरुआत कर रखी हमने, तो मैंने आपको बताया था कि जितना अहम रोल परसेंटेज का है, परसेंटेज वाले टॉपिक का, उतना ही मैथ के अंदर रेशियो वाले टॉपिक का है, ठीक है। तो मतलब यदि इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कर लिया हम लोगों ने, तो आगे लगभग आपका 80-90% अर्थमेटिक कवर हो जाता है इन दोनों टॉपिक के माध्यम से, ठीक है। तो आज अपना नया टॉपिक हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात के बारे में बात करते हैं, तो इनका देखो यूज कहाँ कहाँ होता है आपके छोटे मोटे हर टॉपिक के अंदर, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे आपके एज वाले टॉपिक हो, टाइम डिस्टेंस स्पीड, सारा का सारा आपका रेशियो के ऊपर टिका हुआ है। और आप देखते हो रेशियो और परसेंटेज के ऊपर ही आपके क्वेश्चन आते हैं, एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एजुकेशन का टॉपिक बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा आपको, DI वाले क्वेश्चन आते हैं, डाटा वाले, वो आप देखते होंगे। जैसे बैंकिंग के एग्जाम, जैसे SBI ने अनाउंस किया है कि भाई सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO के फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, या अभी जो जैसे PO के फॉर्म आएंगे या क्लर्क की वैकेंसी आएंगी बैंकिंग में, IBPS निकालता है, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उनमें, जैसे बैंकिंग वाले स्पेशल एग्जाम में DI वाले सवाल आते हैं, तो उसमें सारा कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन में आपको परसेंटेज और रेशियो के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो हम बात को यहीं विराम देते हैं, अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बिल्कुल जीरो लेवल से अपने टॉप लेवल तक जाएंगे, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखिए, पहला क्वेश्चन, तो बिल्कुल बेसिक टाइप है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अनुपात बी दिया गया है 2:5, बी अनुपात सी 3:4, तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, ठीक है। तो क्वेश्चन का करने का तरीका देखो, तो इसमें आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको करने का तरीका बताता हूं, इसमें देखो दे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, विजिबल है, ए और बी का अनुपात हमें दिया गया है, ए अनुपात बी कितना दिया गया है 2:5, 2:5, और बी अनुपात सी दिया गया है, बी अनुपात सी दिया गया हम लोगों को कितना दिया गया है 3:4, ठीक है। तो पूछा गया हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करें, ए बी सी का रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करने का तरीका देखो, दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, किसी भी टाइप का रेशियो का क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन सा अक्सर रिपीट हो रहा है, इसमें आप कहोगे सर बी रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है, जो वर्ड रिपीट होगा उसको आप बीच में लिखेंगे, मिड में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी है, ए आप कहीं भी ले सकते हो, सॉरी बीच में आपका कौन सा वर्ड लिखा जाएगा बी, तो बी मिड में लिखा जाएगा, बाकी 2 अक्षर आप बच गए वो कहीं पे लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने इधर ए लिख दिया, तो इस तरफ मैं लिखूंगा सी। तो पहली लाइन के अंदर देखो, ए और बी का जो मान दिया गया 2:5, तो ए की वैल्यू 2 यूनिट, तो बी की वैल्यू 5 यूनिट, 2:5, ये दोनों साथ साथ रहेंगे भाई, जैसे क्वेश्चन में सेम वैसे पैटर्न लिखना है, ए बी का अनुपात कितना दे दिया 2:5। अब उसी तरीके से आप देखो क्या लिख देंगे, बी अनुपात सी कितना हो जाएगा आपका 3:4। अब बी का रिवाइज हुआ है, दोबारा से आपको वैल्यू देनी है, तो दोबारा से वैल्यू दोगे तो जस्ट उसके नीचे लिखोगे बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू 4, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे 2 ब्लैंक है, एक तो यहाँ पे ब्लैंक है और एक यहाँ पे हमारा ब्लैंक है, ठीक है। ब्लैंक पोर्शन पे आपको वो नंबर फिल करना है जो इसका जस्ट नेबर है, ठीक है, इसका निकटतम पड़ोसी, पड़ोसी अगल बगल वाला मतलब, ठीक है। तो अब इसका, इसके बगल में इसका पड़ोसी कौन है, ये 3, तो यहाँ पे 3 फिल कर दोगे, यहाँ पे आप 3 फिल कर दोगे, इसका पड़ोसी कौन है यहाँ पे 5, इसका पड़ोसी है, तो 5 को फिल कर दोगे।
फिल करने के बाद आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे सभी का। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बोलो 2 3 6 5 3 15 5 2 20, तो आपका ए बी सी का अनुपात कितना आ जाएगा, 6:15:20 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अच्छा एक तरीका तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो चला रहा है, एक दूसरा तरीका देखिए बॉक्स वाला तरीका, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत भी आपको थोड़ा सा फास्ट अप्रोच चाहिए होती है क्वेश्चन के अंदर। जैसे आप अर्थमेटिक पढ़ोगे प्रॉफिट लॉस में, जैसे आप कहते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिख देता है फिर ग्राहक को छूट देता है, वहां पे आपको रेशियो बनाना पड़ता है एमआरपी एसपी सीपी वगैरह का, तो वहां पे ये चीज आपको बहुत फायदा हो जाएगी। तो आप इसका रेशियो एक बॉक्स वाले मेथड से लगा सकते हो। तो देखो मैं दो बॉक्स बना रहा हूँ आपके सामने, ए बी और बी सी। इन दोनों बॉक्स में आप ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर कि दोनों बॉक्स में कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो बी रिपीट हुआ है, और बी की वैल्यू इस डब्बे में कितनी है, 2, और बी की वैल्यू इस डब्बे में कितनी है, 3। तो मैं आपको यह कहूंगा कि दोनों डब्बों के अंदर बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इस डब्बे के अंदर बी की वैल्यू कितनी, 2 यूनिट, और इस वाले डब्बे के अंदर बी की वैल्यू 3 यूनिट है। तो एक ऐसी संख्या बताइए जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है। तो आप क्या कहोगे सर इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे देखे बी की वैल्यू इस बॉक्स में कितनी है, 5 यूनिट, इस बॉक्स में 5 यूनिट है, जबकि इस बॉक्स में कितना है, 3 यूनिट, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या बताइए जो 5 और 3 दोनों के पहाड़े में आती है, मतलब उनका एलसीएम होगी, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो मैं ये आपका मेन काम ये होना चाहिए कि दोनों डब्बों में जो वर्ड रिपीट है उसको सेम कर दो। तो यहाँ पे इसको मान लो 15 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर इस बॉक्स को 3 से कर दो, और यहाँ पे 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो इस पूरे बॉक्स को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपका देखो आंसर आ जाएगा ए बी सी का रेशो पूछा था इसने, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले बॉक्स में, 3 2 6, ए की वैल्यू 6 यूनिट, बी की वैल्यू 3 5 15, और यहाँ से 5 दिया देखो 15 आया, 15 होता है 5 और 20, यहाँ पे 6 15 20 इसका आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल आपको 0 लेवल से उठा के वो चलता हूँ। आज आपकी बेसिक क्लास ही रहेगी, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक क्लास में मेरे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको अच्छे से सीखना होगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चनों में लेंथी क्वेश्चनों में दिक्कत हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इसको ट्राई कीजिए इसी मेथड से। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, इसी पैटर्न से अगला क्वेश्चन है, सेम ट्राई कीजिए आप सब लोग। क्वेश्चन दिया गया है देखो ए बी का अनुपात दिया गया है 3:5, बी और सी का अनुपात दिया गया है 2:3। तो पूछा है आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। तो फिर से देखिए दूसरे क्वेश्चन में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, बी, तो बी को आप बीच में लिख लोगे, बी को आप बीच में लिख लोगे, और मैंने मान लो ए इस तरफ लिख दिया, सी इस तरफ लिख दिया, ठीक है। ए बी का अनुपात कितना है, 3:5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, फिर बी सी का अनुपात कितना दिया गया, 2:3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। फिर इन यहाँ पे देखो ब्लैंक पोर्शन, एक तो ब्लैंक यहाँ पे बोलोगे, एक ब्लैंक बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ब्लैंक वाले पोर्शन पे जो उसका निकटतम पड़ोसी बताया था मैंने, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर लोगे, 2 फिल कर दोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे फिल करने के बाद, 3 2 6 5 2 10 5 3 15, तो 6 10 15 तीनों किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो यहीं पे छोड़ दोगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया अगले क्वेश्चन में, यदि ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 5:6, तथा सी अनुपात डी दिया गया है 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना हम लोगों को, ठीक है। तो यहां से देखें सबसे पहले लिख देंगे हम 4 वर्ड, ए
बी और सी रिपीट हो रहा है तो बी और सी बीच में रहेगा डी। बी और सी देखो क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन पे रिपीट हुआ है तो बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ए बी के वैल्यू कितनी दी गई, ए अनुपात बी कितना दिया गया, 2:3। ठीक है, अब बी फिर से रिवाइज हुआ तो बी सी का रेशियो कितना, 5 है, तो बी की वैल्यू जस्ट उसके नीचे रिवाइज हो रही है और सी उसके साथ ही रहेगा तो साथ में उसके सी में लिखना है, तो यहाँ पे 6 लिखोगे आप। बी सी का रेशियो कितना है, 5 है, और उसके बाद सी डी का रेशियो कितना है बच्चे, 3:4। तो सी रिवाइज हुआ है तो फिर से इसके नीचे लिखेंगे सी और डी का साथ 3 और 4 का रेशियो। अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैंक पोर्शन कहाँ कहाँ पे है। एक ब्लैंक पोर्शन आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे ब्लैंक पोर्शन, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लैंक वाले पोर्शन पे कौन सा वर्ड फिल होगा जो इसका निकटतम पड़ोसी है, तो देखो इसका पड़ोसी कौन, 3। तो सेम सीरीज आप भर दोगे यहाँ पे, 3 3 फिल कर दिया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसका पड़ोसी 6, यहाँ पे आप 6 फिल कर दोगे। यहाँ पे सेम सीरीज 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 को फिल कर दोगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे 5। फिल करने के बाद इन सब का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए 2 5 10 10 3 30, 3 5 15 15 3 45, 3 6 18 18 3 54, 3 6 18 18 4 72। ठीक है, अब आप देख सकते हो किसी के पहाड़े में कट रहा है तो आप कहोगे सर 3 के पहाड़े में कट रहा है, तो 3 से इसको 30 को काट दिया 10 बार, 3 से 45 गया 15 बार, 3 से 54 गया 18 बार, 3 से 72 गया 24 बार। तो मेरे ख्याल में अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन चारों को डिवाइड कर सकती है, तो यहीं पे छोड़ देते हैं हम। तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर 10:15:18:24 एबीसीडी का अनुपात। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चनों में आपसे पूछ भी सकता है कि पूरे क्वेश्चन में खाली आपसे पूछ ले भाई एबीसीडी का अनुपात क्या दिख रहा है, तो आप आंसर दोगे 10 15 18 24, लेकिन आपसे क्वेश्चन कर ले कि खाली ए और डी का अनुपात क्या दिख रहा है, तो हमसे क्या करेंगे 10:24 लिख देंगे, काट के 5:12 बोल देंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप पढ़े इसी पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी हमें दिया गया है। ठीक है, तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ए अनुपात बी दिया गया है 3:4, बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 8:9। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात डी ज्ञात करो, ये हमारे सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ए बी का अनुपात 3:4, बी सी का अनुपात 5:7, सी अनुपात डी दिया गया हमें 8:9। तो हमसे पूछा गया कि ए अनुपात डी फाइंड करें, ए अनुपात डी फाइंड करना हम लोगों को, तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे देखो, तो सबसे पहले ये देखो ए अनुपात डी पूछ रहा है, तो हमें डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मैं बेसिक रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ए अनुपात बी को आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन बी लिख सकते हो, ए बटे बी। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, बी बटे सी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी बटे डी। ठीक है, ऐसे इधर से देखो 3 a/b की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, 3/4, b/c की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 5/7, इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 8/9। ठीक है, और हमसे यदि मैं ये देखो ये मेरा बायां हाथ है, तो मैं बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड का उधर से राइट हैंड साइड का दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होता है मल्टीप्लाई करने पर, देखो इधर से लेफ्ट हैंड पर a/b गुणा में लिखूंगा मैं b/c गुणा में सी बटे डी। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा, मैं अपने दाएं तरफ में किन का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/4, 5/7 और 8/9। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, अब आप देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या पाते हो, देखो बी से आपका बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल,
मतलब आपको ए और डी मिल गया, तो ए अपॉन डी मतलब ए अनुपात डी आंसर आएगा, और वही हमें चाहिए था। यहाँ से आप देख लेते हैं बेटे, 4 से 8 गया 2 बार, और कुछ देखो तो 3 से 9 गया 3 बार, और कुछ नहीं दिख रहा। 5 × 10 = 7 = 21, 10/21 a/d, तो a/d हमारा आंसर आ जाएगा। 10/21 को बोल सकते हैं 10/21 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। लेकिन ठीक है, आपको ये एग्जाम में इतना इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए धीरे धीरे इस चीज को, कि आपको एग्जाम में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a/d आपसे पूछ रहा है, तो a/d आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। देखो कैसे, ठीक है, देखिए डायरेक्ट इस चीज को कैसे सोल्व कर सकते हो आप। पूरा क्वेश्चन पेपर में इतना टाइम थोड़ी होता है कि आप लिखोगे एक एक चीज का, कितना कम टाइम होता है एग्जाम में हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इधर देखो, उसको हम लिख देंगे डायरेक्ट ऐसे, जैसे ए अनुपात बी आपको दिया गया, बी सी का अनुपात सी डी का दिया गया, ए डी का फाइंड करना है। तो आप ये देखो, ए और डी का रेशियो निकालना है, तो देखो ए यहाँ पे है और डी यहाँ पर, मतलब आपको यहां से यहां तक का सफर तय करना है। ठीक है, ए अनुपात डी आपसे पूछ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का सफर तय करना है, और यहाँ पे आपका देखो पैटर्न चल रहा है, तो आप क्या देखोगे, बाकी चीज सीधा इधर से लिख दोगे, 3/4 b/c के, 5/7 यहाँ पे, 8/9। ठीक है, क्योंकि गुणा करोगे तो कॉमन सेंस की बात है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी सी, ए और डी ही आपका बचेगा, और यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 × 8, 3 × 9, यहाँ पे मैठे 5 × 10 = 7 = 21, 10/21 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप लोग ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई कीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 इसी पैटर्न से। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया, देखो ए अनुपात बी दिया गया 5/9, बी सी का 4:3, सी अनुपात डी 2:3, डी अनुपात ई 2:5। तो हमसे पूछा है ए अनुपात ई का मान होता है, तो हमें ए से ई का सफर करना है, तो मतलब सभी को आपस में गुणा करना है। तो आप देखते जाएंगे यहां से ए अनुपात बी को क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो ए अनुपात बी दिया गया आपको 5/9, तो इसको 5/9 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई सभी का मल्टीप्लाई करना, 4/3 को 4/3 लिख देंगे, फिर उसके बाद सी अनुपात डी की वैल्यू c/d को 2/3 लिख देंगे, और डी अनुपात ई को क्या लिख देंगे, 2/5। देखना विजिबल है, ठीक है, 2/5 लिख देंगे। अब यहां से आप सोल्व करेंगे तो देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, कुछ कैंसिल हो रहा है, किसी के टेबल में कुछ नहीं जा रहा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, देखो इधर से और कुछ दिखाई दे रहा है कैंसिल होने पर, नहीं दिखाई दे रहा, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 8, 8 × 16, 9 × 27, 27 × 81, 16/81 को ए अनुपात के जो आपको फाइनल सफर तय करने का आंसर क्या होगा, 16/81 इसका आंसर होगा, 16/81 विजिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे, ए अनुपात बी 5/7, सी अनुपात डी दिया गया 2a/3b, तो ac/bd का मान बताना है। देखो ए अनुपात बी दिया गया, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ए अनुपात बी दिया गया हमें, ए अनुपात बी दिया जा रहा है 5/7। ठीक है, और हमें दिया गया सी डी का रेशो दिया गया है, सी रेशो डी दिया जा रहा है 2a/3b, 2a/3b। अब आप आराम से देख सकते हैं, ए की वैल्यू 5 यूनिट पुट कर सकते हैं,
यहाँ पे दो का दो एक मान कितना है, ए की वैल्यू 5 है, तो दो ए की वैल्यू आपकी 2 पंजे 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से बी की वैल्यू 7 है, तो 3 बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 7 21। और हमें पूछा था ए सी और बी डी, तो मतलब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, इनका मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ए गुना सी तो ए सी हो जाएगा, और बी का डी से गुना करेंगे तो बी डी हो जाएगा। ए सी अनुपात बी डी पूछा जाएगा, 5 2 50 और 7 और 21 का गुना 147, 21 ए सी रेशियो बी डी आपसे पूछा था, 50 अनुपात 147 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद आगे आते हैं वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया गया, पढ़िए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। एक्स वाई का जो रेशियो है 3:2, ठीक है, एक्स वाई का अनुपात दिया गया आपको 3:2, तो अनुपात 2x² + 3y² अनुपात 3x² - 2y² का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो हमें देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, दिया जा रहा है हमसे एक्स वाई का रेशो दिया गया है, एक्स रेशो वाई दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, 3:2, ठीक है। और तो हमें फाइंड क्या करना है, दो कर कट से, तो देखो एक्स वाई का रेशो दिया गया 3:2, तो हमें निकालना है 2x² + 3y² रेशियो 3x² - 2y² आपसे पूछा जा रहा है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, जैसे x की वैल्यू 3 यूनिट और y की वैल्यू 2 यूनिट इसमें उठा के रख देनी है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, देखो x तो 3 का x की वैल्यू आप पुट करेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 2 18 18 प्लस, फिर देखो y की वैल्यू कितनी है, 2, y का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 की 12, तो इधर आपका आ गया 18 प्लस 12, ठीक है। और इस तरफ देखो 3x स्क्वायर करेंगे तो x x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27 माइनस 2y² तो y का स्क्वायर हो जाएगा 4 2 8, इधर आप ऐड करेंगे इधर 30 आ गया, इधर 27 में से 8 गया 19, 30:19 इसका आंसर हो जाएगा, 30:19 ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, आसान सवाल था 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे ट्राई। दिया जा रहा है देखो, यदि यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया, 4:1, और मुझे निकालना क्या है, तो ठीक है आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर दिया गया 4:1, तो x² + y² अनुपात x² - y² का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें मान लो मुझे x अनुपात y निकालना है, तो इसको बेसिक से सोल्व करोगे आप, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो x प्लस वाई अपॉन अनुपात को बटे हुए मतलब x माइनस वाई लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख देंगे, 4:1, तो 4/1। अब इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर पार गुणा बोलते हैं इसको, एक का गुणा इनसे करेंगे, तो एक का गुणा करके तो सेम टू सेम आ गया एक्स प्लस वाई, और मैं इनका गुणा कर देता हूँ 4 के साथ, तो देखो 4 का जब मैं एक्स के साथ गुणा करूंगा 4x, 4 का जब वाई के साथ माइनस का है तो माइनस का 4y आ जाएगा। अब आपको अगला स्टेप करना क्या है, एक्स वालों को एक तरफ वाई वालों को एक तरफ, तो देखो जैसे कोई चीज दूसरी तरफ जाती है नेचर चेंज, तो यहाँ x माइनस 4x लिख देंगे इस तरफ, ठीक है। अब हमारे दाएं तरफ क्या करेंगे, y प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 4y
माइनस का वाई, तो कितना हो जाएगा माइनस का तीन एक्स, माइनस का तीन एक्स बराबर किसके आ जाएगा, माइनस के पांच वाई के, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स वाई का रेशो निकालना है तो दो वेरिएबल होते इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्स की वैल्यू आप पांच रख देंगे और वाई की वैल्यू तीन रख देंगे, तो एक्स वाई का रेशो पूछा जाए तो आप पांच तीन बताएंगे, कितना बताएंगे पांच अनुपात तीन, लेकिन निकालना क्या था क्वेश्चन उन्होंने वो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अब देखो एक्स स्क्वायर करना है तो एक्स की वैल्यू पांच है तो क्या करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमें निकालना है, और अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना था, एक्स की वैल्यू कितनी है पांच, तो पांच का स्क्वायर कर दोगे आप पच्चीस आ जाएगा, और वाई की वैल्यू तीन, तीन का स्क्वायर करेंगे नौ, पच्चीस प्लस नौ इधर आ जाएगा चौतीस, और इधर आ जाएगा आपका पच्चीस में से नौ गया सोलह, दो से चौतीस गया सत्रह बार, दो से सोलह गया आठ बार, सत्रह अनुपात आठ इसका आंसर होगा, ठीक है सत्रह अनुपात आठ इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, बाकी इसका आसान सॉल्यूशन देख लीजिए इस क्वेश्चन का, दूसरी अप्रोच देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है भाई आपसे दिया गया है जैसे x प्लस वाई दिया जा रहा है, x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई ये दिया गया था हमें चार अनुपात एक, ठीक है तो इसके लिए डायरेक्ट आपको x जब भी प्लस माइनस का पैटर्न आपके सामने कभी भी आ जाए तो डायरेक्ट रेशियो निकालना है और आपसे x वाई का रेशियो पूछा जाए, ठीक है बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको, जैसे बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक करते हैं नाव धारा का तो उसमें आता है आपका धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो वहां पे भी ये रूल फॉलो होता है, देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस तो आपको एक्स और वाई के अलग अलग रेशियो निकालना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस का रखा है तो इसका देखो यहाँ पे देखो तो बड़ी बड़ी वैल्यू एक्स की होनी चाहिए क्योंकि एक्स में से वाई को कम किया जा रहा है, तो जिसकी बड़ी वैल्यू होती है तो उसके लिए जब प्लस माइनस का पैटर्न हो तो उसमें एक बार प्लस कर दे बड़ी वैल्यू वाले के लिए प्लस और छोटी वाली वैल्यू के लिए माइनस कर देते हैं, ठीक है तो यहाँ से डायरेक्ट आपका एक्स वाई का रेशियो मिल जाएगा, तो चार जमा एक कितना हो गया पांच, चार में से एक गया तीन, तो एक्स वाई का रेशियो पूछा जाए तो पांच अनुपात तीन, पांच अनुपात तीन डायरेक्ट लिख देंगे इस चीज को, और हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पांच का स्क्वायर पच्चीस प्लस तीन का स्क्वायर नौ, पच्चीस और नौ चौतीस, और रेशो कितना करते हैं पच्चीस में से नौ गया सोलह, चौतीस सोलह को कैंसिल आउट करोगे सत्रह अनुपात आठ इसका आंसर होगा, ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे हैं, ठीक है पहली क्लास है अच्छे से नोट करें एक एक चीज को धीरे धीरे पढ़े, ठीक है उसके बाद अपने हर टाइप का क्वेश्चन जैसे रुपये पैसे सिक्के या आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं मध्य अनुपातिक तृतीय अनुपातिक जो भी आपके बिल्कुल एक एक टाइप कवर करता हुआ चलूंगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ क्वेश्चन नंबर पढ़िए क्वेश्चन नंबर नौ, एक्स वाई का अनुपात दिया गया सात अनुपात तीन, एक्स रेशो वाई दिया गया सात अनुपात तीन, ठीक है तो एक्स वाई प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का मान निकालना है, तो सीधा सीधा पुट करना है इसमें जो हमें फाइंड करना है, देखो एक्स वाई फाइंड क्या करना है प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये हमें फाइंड करना है, तो सीधा सीधा पुट कर दोगे एक्स की वैल्यू सात वाई की वैल्यू तीन पुट कर देंगे इसके अंदर, तो एक्स की वैल्यू सात और वाई की वैल्यू तीन पुट कर देंगे तो सात गुणा तीन सात या इक्कीस और वाई की वैल्यू तीन, तीन का स्क्वायर करेंगे नौ, इक्कीस प्लस नौ ऊपर और यहाँ पे क्या करेंगे सात का स्क्वायर उनचास मतलब तीन का स्क्वायर नौ, तो इक्कीस प्लस नौ कितना हो जाएगा तीस, उनचास में नौ गया चालीस, तो एक एक जीरो आपकी कैंसिल आउट तीन बटे चार इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आसान क्वेश्चन था एकदम समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर
दिया गया है यदि ए अनुपात बी, सॉरी यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, रेशो दिया गया इसका 6:7:8, ठीक है, तथा ए प्लस बी प्लस सी दिया गया हमें 14, तो सी का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो ऑप्शन दिए गए 6, 7, 8, 14। देखो करने का तरीका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ए प्लस बी दिया गया है, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं ए प्लस बी, मैं मान लेता हूं 6:7:8, तो इसको मैं 6k मान लेता हूं, इसको मैं 7k मान लेता हूं, इसको मैं 8 मान लेता हूं यहां पे, ठीक है। अब मैं इनको ऐड करना शुरू कर देता हूं, तो मैं इधर से ऐड करूंगा इन सभी को, मेरे लेफ्ट हैंड और इधर ये मेरा राइट हैंड, ठीक है। इनको ऐड करने पर मुझे लेफ्ट हैंड की तरफ जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ए और ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। और उधर से हम राइट हैंड पे जब जोड़ेंगे इन सभी को क्या मिल जाएगा, मुझे 6, 7, 13 और 8, 21k। तो यहाँ से आप देखो कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21k, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी थी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी थी सवाल में, कितनी दे रखी थी वो 14, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 14 पुट कर देंगे, तो 14 यहाँ पे और 14 का 2 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, तो 21k बराबर, इधर 21k बराबर मैं लिख सकता हूँ 28k। तो यहाँ से आप देखोगे 7 किया 21, 7 चौक 28, 3k = 4, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/3, k की वैल्यू आपने फाइंड की 4/3, k की वैल्यू 4/3, जहाँ से आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहे c की, तो c के अब आप क्वेश्चन को अच्छे से फोकस माइंड करके कंसंट्रेट करके पढ़िए, c का मान पूछ रहा है और a प्लस बी प्लस सी का आपको सवाल में दिया गया 14, ठीक है। तो आपको C का मान निकालने के लिए आपको A प्लस बी का पता होना जरूरी है, तो A प्लस बी हम निकाल लेंगे, तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 6k, तो 6 और K का मान मैंने अभी निकाला था 4/3, 6 का 4/3 से गुणा करने पर मेरा आंसर आ रहा है 3 से 6 गए 2 बार 2 चौके 8, तो A प्लस बी आप हमारा आ गया 8 और A प्लस बी प्लस सी टोटल था 14, 14 में से 8 में घटा दूंगा तो C का मान मुझे मिल जाएगा 6 और मेरा आंसर आ जाएगा 6। मैं किस पे टिक करूंगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आराम से समझे, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बार बार देखते रहिए समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम देके पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक धनराशि ए ब और स में 3:5:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है, ठीक है। यदि ए और ब दोनों के कुल शेयर, यदि ए और ब दोनों के कुल शेयर से 800 रुपये कम है, मतलब जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यदि ए और ब दोनों के कुल शेयर सह से, ठीक है, 800 रुपये कम हो, तो इसमें ए का शेयर ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो ए ब स नाम लिख देते, 3 आदमियों में कोई धनराशि बांटी जा रही है और उस धनराशि को किस अनुपात में बांटा गया, 3:5:12। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और ब दोनों का टोटल हिस्सा, तो ए और ब दोनों का हिस्सा कितना आ जाएगा, 3 और 5 8 लिख, ए और ब दोनों का हिस्सा सह के हिस्से से होना चाहिए था क्वेश्चन में, कितना कम है, 800 रुपये कम। तो देखो ए और ब का हिस्सा 8 मिनट, इसका हिस्सा 12 मिनट, कितना कम आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, कम आ रहा है 4 मिनट, आप 4 मिनट मेरा कम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कितना कम है, 800।
चार मिनट की वैल्यू आप 800 लिख दोगे, चार मिनट की वैल्यू 800, चार से 800 गया कितने पर, 200 पर। एक मिनट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200 रुपये। तो पूछा गया है किसका हिस्सा, ए का शेयर पूछा गया। तो एक मिनट का मान 200 रुपये, तो तीन मिनट का मान 200 का 3 से गुणा करेंगे 600 रुपये इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे देखिए। यदि कोई धनराशि सदैव तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटी गई, ठीक है, यदि कोई धनराशि सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटी गई, यदि रहीम का भाग 2400 रुपये तो कुल धन कितना था। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कोई धनराशि रहीम और सलीम किस अनुपात में बांटी गई, क्या अनुपात है दोनों का, 4:3 इसके हिस्से में, 4 मिनट इसके हिस्से में, 3 मिनट दोनों का अंतर पूछे, 1 मिनट दोनों के हिस्से का योग पूछा जाए, 7 मिनट सब कुछ क्लियर है। और आगे क्वेश्चन दिया रखा है, यदि रहीम का भाग 5600 तो आप रहीम का हिस्सा आ रहा है 4 मिनट, 4 मिनट की वैल्यू 5600 रुपये के बराबर। यदि आप देख लोगे इस चीज को, यदि 4 मिनट बराबर 5600 है तो 1 मिनट का मान कितना होगा, तो 4 से 5600 गया 1400 रुपये, 1 मिनट का मान 1400 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल धन, तो कुल धन कितना है, तो दोनों के हिस्से में देखो 4 इसके पास 3 इसके पास 7 मिनट, 1 मिनट का मान 1400 है, तो बच्चे 7 मिनट का मान कितना हो जाएगा, 1400 का 7 बार गुणा करेंगे 1497, 2 जीरो लगा देंगे तो 9800 रुपये आंसर हो जाएगा कुल धन, 9800। ऑप्शन थोड़े से ऑप्शन में शायद मिस्टेक है, ठीक है, सॉरी 2400 था रहीम का भाग, हमने पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, रहीम का भाग 2400 रुपये दिया गया, ठीक है, वो वापस देख लेते हैं क्वेश्चन, रहीम का भाग दिया गया 2400 रुपये, तो आप क्या कर देंगे इसमें 4 मिनट की वैल्यू 2400 रुपये, सॉरी थोड़ा सा डाटा पढ़ने में गलती हो गई थी, 4 मिनट की वैल्यू 2400, तो 1 मिनट की वैल्यू आप निकाल देंगे 600 रुपये, 1 की वैल्यू 600, तो 4 3 7 मिनट की वैल्यू 600 का 7 बार गुणा करेंगे तो 642 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 42 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को ठीक कर लेना, ठीक है, डाटा हमने थोड़ा सा सही से पढ़ा नहीं। 4:3 का अनुपात दिया जा रहा है सलीम और रहीम का, लिखने में आपने मिस्टेक कर दी, चलो कोई बात नहीं, सलीम और रहीम का अनुपात दिया जा रहा है 4:3, तो रहीम का अनुपात है 4, रहीम के हिस्से में 3 मिनट और इसके हिस्से में 4 मिनट, ठीक है, और रहीम का भाग 2400 है, तो इसका आपको हिस्सा दिया गया 2400, ठीक है, मतलब 3 मिनट की वैल्यू आपको दे रखी क्वेश्चन में 2400। एक बार फिर से देख ले क्वेश्चन, हमने दिखते हैं थोड़ा सा सीक्वेंस इसका गड़बड़ा गया था, 3 मिनट की वैल्यू 2400 रुपये, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 रुपया, और वैल्यू कितने की फाइंड करें, 3 और 4 कुल धन 7, 7 मिनट की वैल्यू 800 का 7 बार ना करोगे 8 7 56, तो 5600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, कुल धन पूछा जा रहा था 5600 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डाटा लिखने में गड़बड़ी हो गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो उनके वेतन का नया अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन दिया जा रहा है 3:3:10, 23:33:60,
दस अनुपात ग्यारह अनुपात बीस, और चौथा ऑप्शन है तय नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो ए बी और सी तीन व्यक्ति दिए गए हैं आपके, ठीक है, इन तीनों की जो पुरानी आय, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पुरानी आय, पुरानी आय का अनुपात कितना दिया जा रहा है, अनुपात था 2:3:5। तो मैं इसको मान सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने मान लिया इसको, मैंने इसको 200 मान लिया, इसको 300 मान लिया, इसको 500। भाई आपका रेशियो मेंटेन होना चाहिए, 2, 3, 5 का रहना चाहिए, 20, 30, 50 मान सकते हैं, 2000, 3000, 5000 भी मान सकते हैं। तो मैंने मान ली ए की आय थी 200 रुपये आरम्भ में, बी की आय शुरुआत में 300 रुपये थी, इसकी 500 रुपये थी। वृद्धि किस हिसाब से हुई, ए के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ए के वेतन में 15% का इंक्रीमेंट हुआ, 15% वृद्धि होती है। बी के वेतन में दिया जा रहा है क्वेश्चन में 10% की वृद्धि, और सी के वेतन में दिया जा रहा है आपको 20% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं, ए की पुरानी आय थी 200 रुपये, ठीक है, ऐसे हम सबकी नई आय निकाल लेते हैं हम लोग। तो 200 रुपये थी ये शुरुआत में, जब किसी कंपनी में रिक्रूट रिक्रूट हुआ था तो उसे 200 रुपये सैलरी थी, मान लो 200। तो अगले साल 15% का इंक्रीमेंट लग रहा है, 15% बढ़ोतरी, तो 200 का 15% निकाल दोगे 30 रुपया, 30 रुपया बढ़ जाएगी, तो नई आय उसकी आ जाएगी 230 रुपया, 230 रुपया ए की आय हो जाएगी। अब बी की आय के बारे में बात करते हैं, 300 का 10%, 30 रुपये बढ़ेगी, तो 330 बी की आय बन जाएगी, और सी की आय आपकी बन जाएगी 500 का 20%, 100 रुपये, 100 रुपये बढ़ेगी, तो 600 रुपये। तीनों की नई सैलरी का अनुपात 1:1:0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो नई आय का अनुपात कितना बन गया, 23:33:60 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। सेम इसी टाइप से अगला क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। दो किसी अलग अलग कंपनी के उत्पाद है ए और बी, दो उत्पाद ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:8 है, ठीक है, दो किसी कंपनी के दो दो अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, उनका जो जो प्राइस का रेशियो था 5:8। अब बोल रहा है कि उत्पाद ए का मूल्य तो 20% बढ़ जाता है और बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, तो अब उनका अनुपात क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो मैं मान लेता हूं यहां पे देखो, उत्पाद ए और उत्पाद बी दो अलग अलग कंपनियों का, ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं मूल्य के अनुपात की बात करते हैं, मूल्यों का अनुपात दिया गया था आरंभ में इनका कितना था, 5:8, तो मैंने 5:8 इनका अनुपात दिया गया था, तो मैं इसका प्राइस 50 रुपये मान लेते, इसका 80 रुपये, प्रोडक्ट ए की कीमत 50 रुपये मान लेता हूँ, प्रोडक्ट बी की कीमत 80 रुपये मान लेता हूँ। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, उत्पाद ए का रेट बढ़ जाता है, 20% बढ़ोतरी हो जाती है, 20% वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रोडक्ट बी का रेट के बारे में क्या बोला जा रहा है, 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 50 रुपये पुराना रेट था, 20%, 50 का 20% कितना आएगा, 10 रुपये, 10 रुपये रेट बढ़ जाएगा तो नया रेट कितना देगा, 60 रुपये इसका। प्रोडक्ट बी का पुराना रेट था 80 रुपये, 20% कम हो गया, 80 का 20% 16, 16 रुपये कम होगा, तो 80 में से 16 कम हो गया, तो प्रोडक्ट बी की कीमत 64 रुपये, प्रोडक्ट ए की वर्तमान कीमत 60, इसकी 64, रेशो पूछ रहा है, 4 से 60 गया 15 बार, 4 से 64 गया 16 बार, 15:16 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि बटे वाली संख्या का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15। 68,000 रुपये की धनराशि को ए बी और सी में, पढ़िए आराम से क्वेश्चन, 68,000 रुपये की धनराशि को
ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा गया, तो सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर बताएं। ठीक है, तो बटे वाली जो आपकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू का आप रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ए बी और सी में रुपया कितना बांटा जा रहा है, 68,000 रुपया। किस रेशियो में बांटा गया, 1/2 1/4 और 5/16, 1/2 रेशो 1/4 5/16। अब देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/2 1/4 5/16, तो उनका फ्रैक्शन वाली वैल्यू का हम रेशो कैसे निकालते हैं। नीचे हम बात करते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर बोलते हो इसको डिनोमिनेटर, या हिंदी में इसको अंश इसको हर, तो हिंदी में बता रहा हूँ जिन जो भी नीचे वाली वैल्यू जिसको आप हर कहते हैं तो उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4 और 16, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। 2, 4, 16 का एलसीएम ले लोगे आप, 16 आ जाएगा। तो सभी संख्या को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन सभी को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 का 16 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 आया, 1/4 का 16 से किया 4, 5/16 से 16 कट गया 5। तो फाइनली एबीसी में जो भी रुपया बटा इस अनुपात में बटा, ठीक है, 8, 4, 5। तो ए को धन मिलता है 8 यूनिट, बी को धन मिला 4 यूनिट, सी को धन मिला 5 यूनिट। तो तीनों के हिस्से हम यदि ऐड करते हैं तो 8, 4, 12 और 5, 17, तो तीनों को कुल मिलाकर प्राप्त हुआ 17 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में दे रखा तीनों को रुपया बांटा जा रहा है 68,000। मतलब आप कह सकते हो 17 यूनिट की वैल्यू 68,000 रुपया, ठीक है, तो 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, 17 चौके 68, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपया। 17 यूनिट की वैल्यू 68,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया उस पर फोकस करते हैं, सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर। सबसे बड़ा भाग दिखाई दे रहा है 8 यूनिट, सबसे छोटा भाग 4 यूनिट, दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर बताना है 4 यूनिट, 8 और 4 में 4 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है। 1 यूनिट का मान मेरा आ रहा है 4,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16,000, 16,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों का सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटे भाग का हमसे डिफरेंस पूछा गया था, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 16,000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, तीन संख्याएं 1/2 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में, ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो तीन संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है, वो तीनों संख्या लिख लेते हैं, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, उन तीनों का आपको अनुपात दिया जा रहा है 1/2 2/3 3/4, ये आपको रेशियो दिया गया। अब इसका देखो अनुपात कैसे निकालेंगे, नीचे वाली वैल्यू ले लेंगे 2, 3, 4, इन सभी का एलसीएम आपका आ रहा है 12, तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर देंगे हम लोग, 1/2 का 12 से, 2/3 का 12 से, 3/4 का भी 12 से, तो 1/2 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 6, 2/3 का 12 से 3 से 12 4, 4 दूनी 8, 3/4 का 12 से 4 3 9, ठीक है। तो फाइनली तीनों संख्या का जो रेशियो बनेगा हमारा, पहली संख्या का मान बनेगा 6 यूनिट, दूसरी वाली संख्या का मान 8 यूनिट, तीसरे वाली का 9 यूनिट, ठीक है, तो ये हमारा अनुपात बनेगा। अब बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखो 8 यूनिट और सबसे छोटी संख्या 6 यूनिट, सॉरी सबसे बड़ी संख्या कितने यूनिट होगी, 9 यूनिट, सबसे बड़ी संख्या 9 यूनिट और सबसे छोटी 8, 6 यूनिट, दोनों का अंतर सवाल में दे रखा है 36, जबकि मेरा अंतर कितना आ रहा है 3, तो दोनों का अंतर मेरे आ गया 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 36 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 12,
1 मिनट की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो आपसे ये तीनों संख्याएं पूछ रहा है। तो पहली संख्या 1 मिनट की वैल्यू 12, तो 6 ने 12 छिके 72, 12 8 96, 12 निम्न 160, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पाते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तीन संख्याओं का योगफल 98, यदि पहली और दूसरी संख्या में 2:3 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात दिया गया है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। आसान सवाल है। तो देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो मैं तीन संख्या मान लेता हूँ, ए बी और सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो पहली संख्या दूसरी मतलब ए और बी का रेशो आपको दिया गया 2:3, यहाँ 2 यहाँ पे 3। उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या मतलब बी और सी का, बी का रेशो रिवाइज हुआ तो यहाँ पे लिखते हैं 5, दूसरी और तीसरी का रेशो 5:8 दिया गया। एक आपको ब्लैंक यहाँ पे फिल करना है और एक ब्लैंक आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, 5 इसका पड़ोसी, 5 फिल कर लोगे आप, यहाँ पे 3 फिल कर लोगे, रेशियो बना लोगे इनका मल्टीप्लाई करके, 2 5 10, 3 5 15, 3 8 24, तो फाइनली 10 15 24 रह जाएगा, क्योंकि किसी के पहाड़े में तीनों संख्या आती नहीं, डिवाइड ही नहीं हो, ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है एक साथ, तो आप यहीं पे छोड़ दोगे। एबीसी का रेशियो कितना बन जाएगा? 10 15 24। तो अब आपसे आगे बोला जा रहा है, तीनों का योग 98 था, तो पहली संख्या का मान देखो 10 यूनिट, दूसरी वाली का 15 यूनिट, तीसरे वाली का 24 यूनिट, तीनों को जोड़ेंगे 10 और 15 25 और 24 49, तो मेरा योग आ गया 49 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में योग दिया गया तीनों का 98, तो 49 यूनिट की वैल्यू 98, तो 1 यूनिट की वैल्यू 49 × 98 दो गया, 49 से 98 कितनी बार गया? 2 बार, तो मतलब 1 मिनट का मान आपका आ जाएगा 2। तो दूसरे वाली संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या का मान कितना मिनट है? 15 मिनट, यदि 1 मिनट की वैल्यू 2 है तो 15 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, तो दूसरी वाली संख्या 30, 30 आपका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पे, तीन संख्याओं में अनुपात दिया गया 2:3:5, ठीक है। तीन संख्या मैं मान देता हूं, देखो तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया 2:3:5, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तीन संख्याओं का अनुपात दो सॉरी तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया हमसे 3:2:5, तथा इनके वर्गों का योग 1862 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, तो पहली संख्या ये वर्गों का योग की बात करें, तो मैं इसको 3x मान लेता हूँ पहली संख्या, दूसरी संख्या को 2x मान लेता हूँ, तीसरी वाली संख्या को मैं 5x मान लेता हूँ, तो इनका वर्ग करेंगे, तो पहली संख्या का वर्ग करोगे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9x2। दूसरी वाली संख्या 2 का वर्ग करेंगे, 2 का स्क्वायर 4x2 लिख देंगे, और तीसरे वाली का 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इनका तीनों के वर्गों का योग दिया 1862 क्वेश्चन में। तो आप इधर देखें, तो 9 और 4 13 और 25 38, तो कितना आ जाएगा आपका? 38x² बराबर 1862 के, 38 से भाग लगा देंगे इसको, 38 5 190, तो 5 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 पे गया पहले, ठीक है। डिजिटल लगा लेंगे, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 2, 8 की टेबल में 2 कब आता है? या तो 8 6 32 या 8 9 72, ठीक है। या तो देखो जो भी चांसेस बनेगा स्क्वेयर होने का बनेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 4 है तो 49 बनना चाहिए यहाँ पे,
49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो यदि x के बराबर 49 है तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2x है, तो x की वैल्यू 7 है, तो 2 7 14, 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 14। आपका आंसर हो जाएगा 14। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। किसी धनराशि को एबीसी में बांटा गया। ए कुल धनराशि का 3/16 भाग, बी कुल धनराशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बी को कितनी धनराशि मिली? अभी करते हैं क्वेश्चन। देखो, तीनों में बांटी गई ए बी और सी, तो ए को कुल धनराशि का 3/16 भाग प्राप्त हुआ। देखिए विजिबल है, ए को कुल धनराशि का 3/16 भाग प्राप्त हुआ, जबकि बी को कुल धनराशि का 1/4 भाग प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ए को कुल धनराशि का 3/16 भाग बोला जा रहा है, 3/16। तो इधर देखो, कुल भाग में मान लेता हूं एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो, इनके हर से, डिनोमिनेटर से, यहाँ पे 16 आ रहा नीचे, यहाँ पे 4, तो एक ऐसी संख्या बताइए जो इन दोनों से जो इन दोनों के पारे में आएगी, जो इन ऐसी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 16 4 का एलसीएम कितना आएगा? 16। तो मैंने कुल भाग मैंने मान लिया 16 यूनिट था, मैंने कुल धन मैंने मान लिया कितना था, तीनों में बटा गया 16 यूनिट। ठीक है, तो ए को कुल धन का कितना प्राप्त हुआ? 16 का 3/16 भाग कितना जाएगा, कैलकुलेट करेंगे ए को, 16 का 3/16 भाग, मतलब ए को मिला 3 यूनिट। ऐसे बी को कुल धन का 1/4 भाग, 16 का 1/4 भाग कितना देगा, 4 यूनिट। अब एक बात तय, तीनों में कुल धन कितना बांटा जा रहा है, 16 यूनिट, तो ए को प्राप्त होता है 3 यूनिट, बी को प्राप्त होता है 4 यूनिट, बाकी किसके हिस्से में गया, सी के हिस्से में, सी को प्राप्त हुआ कितना, बच गया 3 और 4 7, 16 में से 7 गया तो कितना आ गया, 9, तो सी को प्राप्त होगा कितना, 9 यूनिट। ठीक है, सी को कितना प्राप्त होगा, 9 यूनिट। तो इसका मतलब ये रेशियो था उन तीनों का। अब सी के बारे में बताया जा रहा है, सी को कितना रुपया मिला, 81, तो आप क्या कर दोगे, 9 यूनिट, मेरे हिसाब से सी के पास आए 9 यूनिट, तो क्वेश्चन में दे रखा है 81, मतलब आप क्या कर दोगे इसमें, 9 यूनिट की वैल्यू 81 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 9 नहीं में 81, 1 यूनिट की वैल्यू 9 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 9 रुपये, उस किसकी वैल्यू रहे, बी को, एक की वैल्यू 9, तो बी का धन कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 एक मिनट की वैल्यू 9 रुपये, तो 4 मिनट की वैल्यू 9 चौके 36 36 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा, बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 36 रुपये। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए आपके सामने स्क्रीन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। 4,830 रुपये की एक धनराशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटी गई कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपये 10 रुपये और 15 रुपये कम कर दिए जाए तो शेष धनराशि में अनुपात 3:4:5 का रह जाएगा, तो पी का भाग ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया 1,205 रुपये, 1,610 रुपये, 2,015 रुपये, 1,200 रुपये। ठीक है, तो देखिए पी क्यू आर में रुपये कितना बांटा गया, 4,830। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। अब देखो क्या बोल रहा है, ए के पी के हिस्से में कितना रुपया कम कर दिया गया, 5 रुपया, इसके हिस्से में 10, इसके हिस्से में 15, तो 5 रुपये मान लो भाई तुमने 4,830 रुपये तीन आदमियों को बांट दिया, अब उनसे तुम वापिस रुपया मांगना शुरू करो, 5 रुपये हिस्से मांग लिए, 10 रुपये हिस्से, 15 हिस्से मांग लिए, तो तीनों से कुल कितना धन खींच लिया तुमने, बैग कितना ले लिया, 30 रुपया, 5, 10, 15, 15, 30 रुपया। अब 30 रुपया ले लिया तो शेष धनराशि कितनी रहेगी, 48 रुपया, तीनों के पास कुल धनराशि कितनी रह जाएगी, 48 रुपये।
और वो किस अनुपात में? 3:4:5, शेष धनराशि का अनुपात बता रहा है 3:4:5, और शेष धनराशि कितनी रह जाएगी? 30 रुपया टोटल लेने पर 5 रुपया उसका कम करके 10 रुपया उसका, 15 उसका, टोटल 30 रुपया वापिस आपने खींच लिया। 4,830 रुपये में 30 रुपया आपने वापिस ले लिया, तो बच गया उन तीनों के पास 48 रुपया। किस अनुपात में है? 3:4:5 में, ठीक है। अब इसको बांट देते हैं, पी के हिस्से में 3 यूनिट, इसके हिस्से में 4, इसके 5, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू टोटल जो धन है वो 48 रुपये तीनों के पास, तो 12 यूनिट की वैल्यू 48 रुपया, तो 12 चौक 48, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपया। तो पी के पास प्रेजेंट टाइम में कितना धन है? 3 यूनिट, यदि 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 3 की वैल्यू 1200 रुपया, इसके पास 1600 रुपये है, इसके पास 2000 रुपये, ठीक है। हिस्सा किसका पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए पी का भाग पूछा जा रहा है, तो पी के भाग, पी को रुपया कितना प्राप्त हुआ था? देखो 5 रुपये उससे वापस मांग लिया गया और 1200 रुपये बचता है, तो उसके पास टोटल कितना रुपया था? 5 रुपये और जोड़ देंगे, तो 1200 में 5 और जोड़ेंगे, तो 1200 में आप जब 5 जोड़ोगे तो पी के पास कुल कितना हिस्सा था? 1200 प्लस 5 मिलाकर 1205 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बी का हिसाब पूछता तो 1600 रुपये में 10 जोड़ देंगे, 1610। सी का हिसाब पूछा जाए तो 2000 में 15 रुपया, 2015 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आज का हमारा आखिरा, आज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। इसी सेम इसी पैटर्न पे करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पे। ₹1470 को एबीसी में बांटा जा रहा है और इस प्रकार बांटा गया कि तीनों से 50-50 रुपया ले लिया जाए। अच्छा, इस बार 50-50-50 तीनों से कम करोगे तो 150 रुपया खींच लिया, तो 1470 में से 150 रुपये यदि आपने मांग लिया तो शेष धनराशि कितनी रह गई जो उन तीनों के पास बचते? 1320 रुपये। और शेष धनराशि किस अनुपात में है? 1:3:2, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे, ए के पास इस समय 1 यूनिट, बी के पास 3 और इसके पास 2, तो टोटल तीनों के पास मिलाकर कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1320 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 से डिवाइड करने पर 6 दुनी 12 220, 1 यूनिट की वैल्यू 220 रुपये। तो ए के पास इस टाइम कितना रुपया है? तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 220 रुपये, बी के पास 3 यूनिट की वैल्यू 660, सी के पास 220 का 2 का मतलब 440। किसका हिस्सा पूछा जा रहा है? इस बार सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, सी को कितना प्राप्त होता है? तो देखिए सी के हिस्से में से 50 रुपये कम करने के बाद 440 मिला, मतलब इसको टोटल कितना मिला होगा? तो 440 में 50 और जोड़ देंगे, 440 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 490, 490 इसका आंसर होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी को कितना धन प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और हम लोगों ने 21 क्वेश्चन किए इस सीरीज के अंदर, ये हमारी बेसिक क्लास थी, ठीक है। इसके बाद आपको उसी जिस हिसाब से मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, सारे एक एक क्वेश्चन सोल्व कराए थे, ये आपका बेसिक पार्ट था। जो बच्चा फर्स्ट टाइम फ्रेशर बच्चा है बिल्कुल कॉम्पिटिशन के लिए, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। अब उसके बाद हम कंटिन्यू जैसे ही क्वेश्चन निकालेंगे तो एक एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड के ऊपर होगा, तो उसको आप इजीली सोल्व कर देंगे एक एक क्वेश्चन। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है अगला एग्जाम, तो आपको कहीं से कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, न किसी का कोर्स परचेज करने की जरूरत है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए, आप उस चीज के लिए एक एक चीज में इसलिए आपको जब तक करवा पाऊंगा जब तक आप इस चीज को मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। थैंक यू।